हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सूरज पटेल एजुकेशन में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, जितने भी रिपीटर एंड ओल्ड स्टूडेंट है जिनका एग्ज़ाम पेंडिंग है, वो एग्ज़ाम फॉर्म का इंतज़ार कर रहे थे कि कब हमारा एग्ज़ाम फॉर्म आएगा, हम फील करेंगे और हम भी एग्ज़ाम देंगे। तो दोस्तों, मुंबई यूनिवर्सिटी ने नोटिस रिलीज कर दिया गया है, आप लोगों के एग्ज़ाम का फॉर्म आ चुका है, मतलब आप अपना फॉर्म भर के अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले टीवाई बीकॉम के स्टूडेंट के लिए आया हुआ है, टीवाई बीए के स्टूडेंट के लिए आया है, टीवाई बीएससी के लिए आया है। मैं तीनों इधर ओपन करके रखा है, मैं एक एक करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले ये टीवाई बीकॉम के स्टूडेंट के लिए है। दोस्तों, टीवाई बीकॉम इधर लिखा हुआ है आप लोगों के लिए। दोस्तों, 5 दिसंबर 2020 से लेके 14 दिसंबर तक का टाइम है। अगर आपको एक सब्जेक्ट में कहती थी या कुछ भी थी, आपको आप एक सब्जेक्ट के रिपीटर हो या ओल्ड स्टूडेंट हो, तो आपको सिर्फ 285 रुपीज़ पे करना होगा। अगर आप दो सब्जेक्ट के में फेल हो तो आपको 505 मतलब 505 का अमाउंट पे करना पड़ेगा। तीन सब्जेक्ट में फेल हो तो आपको 1060 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। इन तीनों का टोटल प्लस 250 कन्वोकेशन चार्ज देना होगा, मतलब टोटल अगर आपको अमाउंट पे करना है तो 1310 अगर आपको तीन या तीन सब्जेक्ट से ज़्यादा का फिगर जाता है। अगर एक सब्जेक्ट में तो भाई आपको 285 पे करना पड़ेगा प्लस 250 का कन्वोकेशन चार्जेस, मतलब अराउंडिंग 500 के नियर बाय जाता, 500 के ऊपर जाता है, ठीक है। अगर दोस्तों आपने 5 दिसंबर से लेके 14 दिसंबर के बीच में कोई भी एडमिशन नहीं लिया, तबीयत खराब था, भूल गए, इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, या तो सूरज पटेल एजुकेशन की तरफ से वीडियो आपको बाद में दिखाई दिया और आपको बाद में पता चला कि भाई हमें एडमिशन करना है, डेट आ चुका है, आप 15 तारीख या 15 तारीख के बाद एडमिशन करते हो, तो दोस्तों आपको 100 रुपीज़ चार्ज लग जाएगा। दोस्तों, आप मुझे इस वीडियो में कमेंट करके ये जरूर बताना कि आपको कितने सब्जेक्ट में केटी है, ठीक है, और आपको मेरे तरफ से क्या हेल्प चाहिए वो भी कमेंट में बताना, मैं ज़रूर हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, जैसे कि फर्स्ट सब्जेक्ट में 285 था तो इधर हो गया 385, इधर 505 था इधर 605, मतलब 100 रुपीज़ बढ़ गया पर सब्जेक्ट में, और टोटल अमाउंट में भी 100 रुपीज़ बढ़ गया। इधर 1310 था, इधर 1410 हो गया। देन दोस्तों, इधर टर्म एंड कंडीशन दिया हुआ है, जो बेसिकली हर टर्म एंड कंडीशन होता है मुंबई यूनिवर्सिटी का, कि आपको अगर एडमिशन फॉर्म भरना है तो इधर इस लिंक पे जाके क्लिक करके आप फॉर्म भर सकते हो। साथ ही साथ आपको ऑनलाइन ही फॉर्म फिल करना है, देन आपकी आईडी कार्ड, आपका फ़ोटो सिग्नेचर, हर एक चीज़ आपको उसमें अपलोड करना है। आपको हर डॉक्यूमेंट का स्कैन निकाल के फिलअप करके आपको ऑनलाइन ही फॉर्म सबमिट करना है। साथ ही साथ अगर टीवाई के स्टूडेंट हो तो आपको फर्स्ट सेम का, मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर का सब रिजल्ट अपडेट करना है, अपलोड करना है पूरे वेबसाइट पर। देन दोस्तों, एडमिशन जो है 2009 से 10 और उसके आगे ऑनवर्ड सभी स्टूडेंट के लिए अलाव है। ओल्ड एंड रिपीटर स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, रेगुलर स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा दोस्तों, ठीक है। यही टर्म एंड कंडीशन आप वीडियो को पूछ करके देख सकते हो। ऑनलाइन ही पेमेंट करना है, पेमेंट करने का वे जो होगा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से आप पेमेंट कर सकते हो। ये था दोस्तों टीवाई बीकॉम के स्टूडेंट के लिए। अब हम बात कर लेते हैं टीवाई बीए स्टूडेंट के लिए। तो दोस्तों, टीवाई बीए स्टूडेंट के लिए 5 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर तक का है, फीस इधर है 1060, ठीक है, कन्वोकेशन चार्जेस के साथ हो जाता है 1310। अगर वो भी 14 तारीख तक एडमिशन नहीं लेते हैं तो 15 से लेकर 22 तारीख तक का आपको एडमिशन, लेट एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन उसका आपको फ़ी चार्ज करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब फ़ी देना पड़ेगा, लेट एडमिशन फ़ी 100 रुपीज़। तो दोस्तों, इधर 106 था तो इधर 1160 हो गया, कन्वोकेशन में भी बढ़ गया, मतलब 100 रुपीज़ का फ़र्क था। ये टीवाई बीए के लिए था, और ये जो नीचे का टर्म एंड कंडीशन टीवाई बीकॉम के लिए जो था, सेम आपके लिए भी अप्लीकेबल है। देन दोस्तों, ये हमारा है टीवाई बीएससी आईटी स्टूडेंट के लिए। तो दोस्तों, इधर जो है सेमेस्टर वाइज पैटर्न है, सेम 5 सेम 6 के लिए, ठीक है, और इनका डेट है 8 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर तक का। इधर आपको सब्जेक्ट वाइज दिख रहा होगा, जो बीकॉम के लिए था एक, मतलब सिंगल कंपोनेंट के लिए 285, डबल कंपोनेंट के लिए 505, थर्ड कंपोनेंट के लिए 1060, ठीक है। अगर आपने अभी 14 दिसंबर तक एडमिशन नहीं लिया, 15 से 21 के समय जा रहे, तो हर कंपोनेंट के सामने 100 रुपीज़ इंक्रीज हो जाएगा। तो दोस्तों, ये पूरा डिटेल था आप लोगों के लिए, ठीक है। सेम आपको भी हर एक चीज़ स्कैन करना पड़ेगा, आईडी, फ़ोटो, आपके सभी FY, SY, TY के पूरे डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने पड़ेंगे,
ऑनलाइन पेमेंट करने का भी मेथड आपको, डेबिट क्रेडिट कार्ड, ये पूरा डिटेल वही है दोस्तों जो TY BCom के लिए था। तो आई होप कि मैंने आप सभी को बता दिया है, जितने भी रिपीटर स्टूडेंट हैं, ओल्ड स्टूडेंट हैं, उन सभी स्टूडेंट को अपना फॉर्म फिल करना है, फिल करके आपको अपने एग्ज़ाम की तैयारी करना है। एडवांस में बेस्ट ऑफ लक बोल देता हूँ दोस्तों, आगे भी आप लोगों को सपोर्ट करता रहूँगा, लेकिन आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, फिर से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।